नमस्कार, मैं रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार जिले के धर्मपुरी में कल थाने के लोकार्पण कार्यक्रम राजनीति का अखाड़ा बन गया था। इस कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजना बघेल व जयस के राष्ट्रीय संरक्षक मनावर से विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा शामिल हुए थे और एक दूसरे पर जमकर हमला बोला था, जहाँ रंजना बघेल ने जयस के हीरालाल अलावा के सहयोगियों को पीला गमछा वाले कहकर चोर और डकैत बताया था। वही हीरालाल अलावा ने भी भाजपा को आदिवासी विरोधी पार्टी बताया और पीले गमछे वालों के डर से ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पीले गमछे डालकर घूम रहे, ये बात कही थी। इस विवाद के बाद आज जैस के कार्यकर्ताओं ने धामनोद में पूर्व कैबिनेट मंत्री रंजना बघेल का उनके दिए गए बयान के विरोध में पुतला दहन किया और सार्वजनिक मंच से माफी मांगने की बात कही। देखें खबर इसके लाइव। हीरालाल जी ने जिस तरह सवाल उठाया है, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले चोरी हुई थी तो ये सब पीले दुपट्टे वाले थे और जब से ये लोग आए हैं तब से जगह जगह चोरियां हो रही है। डेढ़ साल के भीतर कमलनाथ के सरकार में हाहाकार हो गया था, फरियादी को हक नहीं मिल रहा था। जिस तरह वो सवाल तो आरोप लगाना ही है, क्योंकि जिस तरह से डेढ़ साल में चोरियां हुई और धर्मपुरी के क्षेत्र में भी पीले दुपट्टे वालों पर कार्रवाई हुई, अभी डही में भी जो हुई है, इनका हीरालाल अलावा का खास व्यक्ति है सिंघाना में, साधु सरपंच है, उसका बेटा तमंचे बेचने में पकड़ा है, तमंचों के जखीरे के साथ पकड़ा है। तो ये पूरे अपराधों को जितना भी यही संरक्षण दे रहे, इन्हीं के लोग अपराध कर रहे हैं। वैसे पुलिस बहुत कामयाब रही है कार्रवाई करने में और हमें पीले गमछे के कारण मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार की जमीन खिसक रही है इनकी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके गृह मंत्री अमित शाह जी से लेके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से लेके मंत्री उषा ठाकुर तक को पीला गमछा डाल के घूमना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जयस की वैचारिक क्रांति है और इससे डर और इनका खौफ स्पष्ट नजर आ रहा है। आज पीले गमछे के ऊपर आरोप लगा रहे, लेकिन खुद पीला गमछा धारण करने के लिए भगवा छोड़ के पीला गमछे पे आ गए हैं। आप देखिए कि ये सत्ता के कितने लालची लोग हैं, इनको झूठ बोलने में कितने महारत हासिल है, आरोप लगाते रहते हैं, इनकी फितरत है। लेकिन आज कमलनाथ जी जैसे यशस्वी नेता मिला है मध्य प्रदेश को, हम उनके नेतृत्व में शानदार काम कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर धरातल पर गांव-गांव जाकर झंडे गाड़ रहे हैं और 2023 में मध्य प्रदेश में माफी मांगो। जय जोहर का नारा है भारत देश मां, जय जोहर चलो मेरा सर। उसने कल धर्मपुरी थाने का उद्घाटन किया गया, वहां पे आदिवासियों को गलत शब्दों से उपयोग किया कि चोर गुंडे लुटेरे हैं, इन लोगों पीले गमछे वाले ही सब कुछ गुंड लूटते हैं करते हैं, इस वजह से आज उसका पुतला दहन किया गया। अच्छा, कि मैडम वो यह साबित करे कि जयस वाले और जय भीम वाले किस तरीके से चोर डकैती हुए हैं, या फिर हम साबित करें कि उनके परिवार वालों ने क्या क्या उन्होंने कांड करे हैं। बस हमको सबूत चाहिए और उनके माफ़ी मांग ले मंच से, हमें कुछ नहीं चाहिए।